अम्बियुक का पालन करते हुए एक चीज हमने उसमें हमने तय की है कि रजिस्ट्रेशन तो करना ही होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करना इसलिए जरूरी है कम से कम जो आदमी आ रहा है आने के बाद कहां जा रहा है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जब हम जाते हैं तो कहीं अगर कोई आदमी ऐसा आ जाता है अननोटिस्ड आ जाता है गांव में चला जाता है, गांव में वो फिर बाद में पॉजिटिव निकलता है और उसमें उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का विषय बहुत हमारे लिए जटिल हो जाता है, कठिन हो जाता है। उस सूरत में कम से कम जिसका रजिस्ट्रेशन होगा उनको हम आने की इजाजत देंगे, एक बात हमने ये तय की। पैटर्न में भी हमारा हम SOP इसमें जारी कर रहे हैं और वो SOP की गाइडलाइंस आ जाएंगी, उसके बाद हम सारी चीजों को लेते हैं। ऐसा नहीं है कि भी जो भी आएगा तो उसको कुछ दिन रुकना पड़ेगा, कितना दिन के तय करना है SOP हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज शाम को आए कल वापिस चला जाए, तो उस तरह से नहीं आए तो कुछ दिन रुके और उसके बाद फिर जो सारी चीजों का वो जो हमारे गाइडलाइंस यहाँ की होंगी उनका पालन। इसके अलावा DC और SP को क्या आप देखिए, अभी आज जब मैं DC के साथ और वीडियो जो है हमारे उनके साथ हमें वीडियो कॉन्फ्रेंस की है, बातचीत की है। हम ये चाह रहे हैं कि जब तक हमको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से पब्लिक कॉन्टैक्ट के लिए पब्लिक के बीच में जाकर के कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिलती है तब तक के लिए लोगों के साथ हम कनेक्ट कैसे रहें, उस दृष्टि से हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो लाभार्थी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए हमने प्लान किया है। और उसी प्रकार से जहां हमारे ऑनलाइन इनॉग्रेशन एंड फाउंडेशन स्टोन्स होंगे वहां पर भी हम कनेक्ट लोगों को कैसे कर सकते हैं ये भी हमने साथ में सोचा है। इन दोनों चीजों पर हमने वर्चुअल रैली का दौर हमारा एक बार हो गया, अब आने वाले समय में जो प्लान होगा उसको करेंगे। सर, अब बॉर्डर खोलने के बाद काफी संख्या में लोग आएंगे तो क्या खतरा भी रहेगा कि कोरोना? स्वाभाविक रूप से देखिए रिस्क अभी भी आएगी, मामले बढ़े हैं पीछे की तुलना में ज्यादा बढ़े और प्रदेश में ही नहीं पूरे देश भर में मामले बढ़े, तो ऐसे में और ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है उन्होंने ठीक कहा है कि अभी ये दौर जो है इस प्रकार का नहीं है कि हम सावधानी छोड़ें, सावधानी बिल्कुल बरतने की जरूरत है और इसलिए हमने कहा कि भाई आज भी हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस में डेप्टी कमिश्नर्स को यही कहा कि और ज्यादा सतर्क होकर के काम करने की जरूरत है। कोरोना के जो ताजा मामले हैं उनमें आज एक मौत भी हुई है, 9वीं मौत हिमाचल प्रदेश में हुई है, दूसरी तरफ पर्यटन और ये सारी चीजें जो है आर्थिक गतिविधियां खोलने की बात की जा रही है, तो कैसे देखते हैं इस चीज को, लगाम कैसे लगाएं? देखिए मैं इस बात को लेकर यह कि बिजनेस एक्टिविटीज तो चलती रहेंगी, उनको बंद करने, क्योंकि जहां मामले बहुत ज्यादा हैं वहां पर भी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो शुरू हुई है और इंडस्ट्री भी शुरू हुई है, उस दृष्टि से मुझे लगता कि अब इस तरह की परिस्थिति नहीं है। हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमने पूरा खोल दिया है, वो चल रहा है, उसमें डे बाई डे जो है वो इम्प्रूवमेंट हो रही है, पहले शुरू में कम लोग आते थे लेकिन अब अच्छी संख्या में लोग आना शुरू हो गया। हमारी ऑक्यूपेंसी मतलब पहले 15% मुश्किल से हुई थी, अब 40 से ऊपर चल रही है, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि धीरे धीरे जनजीवन सामान्य की ओर हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहा है और बिजनेस एक्टिविटीज और खासतौर से जो हमारा अब एप्पल का सीजन आने वाला है इसमें जो भी सरकार की ओर से पॉसिबल हो पा रहा है मदद करने की दृष्टि से।